टीचर्स रेड पेन और स्टूडेंट्स ब्लू पेन क्यों यूज करते हैं? गूगल ने अपने लोगो में ऐसा क्या चेंज किया जिसे देखकर पूरी दुनिया शॉक में है? आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कि इस दुनिया में असली नोटों से ज्यादा बच्चों के नकली खेलने वाले नोट ज्यादा प्रिंट होते हैं? और अंबानी जी आखिर कौन सा फोन यूज करते हैं? भाई इस बार तो मुझे 100,000 लाइक चाहिए ही चाहिए, तो अभी लाइक कर दो। नंबर 24, ये लड़का पुलिस वालों के फोन के रिंगटोन को चेंज करके पोल्स आ गई पोल्स रिंगटोन लगा कर दे रहा था। और पकड़े जाने पर इस लड़के का कहना था कि ये तो बाबा है, क्योंकि पुलिस और कोई नहीं बल्कि इसके पापा थे। पर इस पर रिसर्च करने में हमें ज्यादा कुछ प्रूफ नहीं मिला, तो हो सकता है ये फेक हो। नंबर 23, आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि हमारी जो मिडिल फिंगर है उसके नाखून बहुत ज्यादा जली पड़ते हैं, यानी कि पूरे हाथ में से किसी भी नाखून के मुकाबले मिडिल फिंगर के नाखून सबसे बड़े होते हैं और जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं। नंबर 22, आप कितनी भी बार कोशिश कर लो आप इंस्टा या फेसबुक पर 35 डॉट ब्लैक टाइप नहीं कर सकते। ऐसे पोस्ट तो आपने सोशल मीडिया पर कई जगह पर देख लिए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से कमेंट या फिर डीएम्स में कहीं पर भी ये टाइप कर सकते हो। ये तो बस उनके ट्रिक है ज्यादा कमेंट्स करवाने की। नंबर 21, चाइना में स्कूल के बच्चों को 7 दिन की छुट्टी दी गई है ताकि वो प्यार में पढ़ सके, क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि उन्हें इसके सिवाय कुछ और दिखता ही नहीं, जिस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन खतरे में है, इसलिए यहाँ पर ऐसा रूल निकाला गया है। भाई हमारे व्यूअर्स में से बस 30% लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो यार, अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें अक्टूबर से पहले 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 20, ये 2 साल का कुत्ता अल्कोहलिक है, पता नहीं कैसे लेकिन ये 2 साल का लैब्राडोर अल्कोहल से एडिक्ट हो गया है, और ये पूरी दुनिया का सबसे पहला जानवर है जिसे अल्कोहल छुड़वाने के लिए ट्रीटमेंट दी जा रही है। ये कुत्ता यूके का है और डॉक्टर्स का कहना है कि ये ओनर्स के इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुआ है। नंबर 19, अगर पेशेंट मरा तो डॉक्टर भी चल बसेगा। पहले इजिप्ट में ऐसा ही होता था, वहाँ पर रूल था कि अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करते वक्त अगर वो पेशेंट मर जाता है तो उसके सजा के लिए डॉक्टर के हाथ काट दिए जाते थे। बेचारे डॉक्टर भी जान ही बचा रहे हैं और रिस्क भी खुद ही ले रहे हैं। नंबर 10, वुड पेकर को जब भूख लगती है तब वो सच में सर खाने लगते हैं। दरअसल वुड पेकर जब ज्यादा भूखे हो जाते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो दूसरे जो छोटे बड़े पक्षी होते हैं उनके बैक पर मार के उनका जो सर है उसे चोंच मार के तोड़ने लगते हैं। ये तब तक ऐसा करते हैं जब तक सामने वाली चिड़िया का सर टूट ना जाए और उसके बाद अंदर से उनका भेजा खा जाते हैं। नंबर 17, गूगल पे ने कई लोगों के बैंक में 80,000 रुपए डाल दिए हैं। दरअसल वो अपने कोई फीचर टेस्ट कर रहे थे और इसके लिए वो अपने एम्प्लॉइज के खाते में रुपए डालना चाहते थे, लेकिन वो रैंडमली कई लोगों के खाते में चले गए और उसके बाद जिन लोगों ने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया उन लोगों से तो पैसे वापस नहीं लिए, लेकिन जितना हो सके उतना पैसा वापस लेने की कोशिश की जा रही है। सोचिए कैसा लगेगा अगर आपको रात में रैंडमली आपके अकाउंट में 80,000 रुपए आ जाए। नंबर 16, एक बार जरा इन फोटोज को देखो, ये दोनों फोटोज गूगल क्रोम के लोगो के हैं, लेकिन इसमें बहुत कम डिफरेंस है, पर अब यही गूगल क्रोम का नया लोगो है। गूगल ने 8 साल के बाद क्रोम का लोगो चेंज किया है और ऐसे से ऐसा कर दिया, जबकि दोनों में फर्क तो नहीं दिखता बल्कि न्यू में अब तो पहले से कम डिटेल्स हैं। नंबर 15, बस ड्राइविंग लाइसेंस पास करने के लिए इस महिला ने 960 बार अटेम्प्ट दिया था। हाँ भाई, ये इतनी ज्यादा बार ड्राइविंग लाइसेंस के एग्जाम में फेल हो गई कि इसे बार बार टेस्ट देने के लिए इसे पैसे भी देने पड़ते थे, तो इसने टोटल ड्राइविंग लाइसेंस में $13,000 खर्च किए। नंबर 14, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारी जो हैप्पीनेस है उसमें से 10% हैप्पीनेस ही एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बल्कि 90% हैप्पीनेस हमें इंटरनली आती है, यानी कि खुश रहना एक चॉइस है ना कि कंडीशन। और अगर आप अंदर से खुश हो तो कैसे भी सिचुएशन में आप हैप्पी रह सकते हो। नंबर 13, पूरी दुनिया में जितने रियल मनी प्रिंट किए जाते हैं उससे ज्यादा मनी तो मोनोपोली के गेम में प्रिंट हो जाते हैं, यानी कि मोनोपोली के ये जो नकली पैसे हैं वो दुनिया में असली पैसों से भी ज्यादा क्वांटिटी में प्रिंट होते हैं, क्योंकि कंट्री की करेंसी को बहुत पर्टिकुलर ओकेजन पर ही प्रिंट किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए। नंबर 12, प्लूटो को भी प्लैनेट माना जाता है लेकिन सिर्फ न्यू मेक्सिको में। जैसे कि हम सब ने पढ़ा है प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है बल्कि ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन न्यू मेक्सिको में इसे प्लैनेट ही माना जाता है। नंबर 11, इंजीनियरिंग अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देती है। जरा इस लड़के को देखो कि ये फर्स्ट ईयर में कैसा दिखता था और उसके आईडी कार्ड ग्रेजुएशन में आते आते कैसा हो गया। फेस का एक्सप्रेशन तो छोड़ो, बंदे का कलर भी चेंज हो गया और चश्मे अलग लग गए। नंबर 10, रिमोट से थोड़ी देर नजर हटने पर पता नहीं वो कौन से मल्टी यूनिवर्स में गुम हो जाता है, इसलिए अब कुछ लोगों ने अपने रिमोट के पीछे ऐसे फोन को टेप से लगाना शुरू कर दिया है। इस फोन को कॉल लगाने से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका रिमोट कहाँ पड़ा था। नंबर 9, क्वीन एलिजाबेथ 2 ने अपने खुद के ही एक डॉग ब्रीड निकाली थी। ये जो कुत्ते अभी आपको दिख रहे हैं ये एक स्पेशल ब्रीड के कुत्ते हैं जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने इन्वेंट किए थे, यानी कि उन्होंने इस ब्रीड को इंजीनियर किया था और कॉर्गिस ब्रीड के बच्चों को ब्रीड करके खास डॉग बनाए गए थे जिसका नाम रॉयल कॉर्गिस रखा गया है और ये 14 जनरेशन से रॉयल फैमिली के साथ है। नंबर 8, महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में
में एक भी घर में दरवाजे नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को चोरी से बिल्कुल डर भी नहीं लगता, क्योंकि उनका कहना है कि इस गांव में अगर कोई भी चोरी करता है तो शनि देवता उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, और कई बार ऐसा हो भी चुका है, जिस वजह से यहाँ दरवाजे ना होने के बाद भी कोई चोरी करता ही नहीं। नंबर 7, हिरोशिमा और नागासाकी अब रेडियो एक्टिव नहीं है। यहाँ पर रेडिएशन खत्म हो गया है, और इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो बॉम्ब गिरा था वो जमीन से नहीं टकराया था बल्कि बीच हवा में ही फूट गया था। अगर वो जमीन से टकरा था तो फिर उसकी जमीन अब तक रेडिएशन एमिट करती रहती। नंबर 6, हिप्पो की स्किन खुद का ही मॉइस्चराइजर रिलीज करती है। ये पानी में रहते हैं और हर टाइम सन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ऐसे में उनकी मोटी चमड़ी खराब हो जाएगी अगर उनके शरीर में मॉइस्चराइजर नहीं होगा तो, इसलिए उनकी बॉडी ऑटोमेटिक रेडिश कलर का मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक रिलीज करती है। नंबर 5, आपने सुना होगा यूएसए में बच्चों को कॉलेज भेजना बहुत महंगा है, इसलिए लोग वहाँ पर कॉलेज लोन लेते हैं, लेकिन दुबई की जो पुलिस है वो अपनी एक स्पोर्ट्स कार पर इतने ज्यादा पैसे खर्च करती है कि उतने में यूएसए का एक बच्चा आराम से पूरी कॉलेज डिग्री कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर सारी पुलिस के पास एक से एक मॉडिफाइड और फास्ट स्पोर्ट्स कार है। नंबर 4, फैक्ट तो बहुत सुन लिया, अब एक ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक अंधी लड़की ने अपने पेंसिल, अपने रिंग और अपने डॉग को खो दिया, तो उसने सबसे पहले क्या खोया? इसका जवाब कमेंट में जरूर बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। नंबर 3, क्रिसमस में मॉल में जो सेंटा क्लॉज बनते हैं ये बनने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। दरअसल न्यू ईयर प्रोग्राम में सेंटा यूनिवर्सिटी होती है, यहाँ पर सेंटा बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि उन्हें कैसी बियर्ड चाहिए, कैसा उनका फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए, कैसे कपड़े होने चाहिए, यहाँ तक कि परफेक्ट पेट भी देखा जाता है। नंबर 2, आपने देखा होगा टीचर हमेशा रेड पेन ही यूज करते हैं और बच्चों को ब्लू या फिर ब्लैक पेन लिखने के लिए दिया जाता है, तो ऐसा क्यों? इसके लिए कई रीजन है। सबसे पहले बात करें रेड यूज करने की, तो ये बहुत सारा प्राइड होता है, और इसीलिए जब टीचर पेपर या कोई भी चीज करेक्ट करते हो और उसे मार्क्स देने होते हैं तो वो उसे रेड पेन से लिखाते हैं, ताकि फिर मार्क्स काउंट करते वक्त रेड पेन ज्यादा ब्राइट दिखती है, और यूजुअली पेपर में ब्लैक कलर या ब्लू कलर की लाइन होती है तो रेड कलर थोड़ा अच्छे से दिखता है, और इतने सालों से रेड पेन यूज करने की वजह से ये एक सिंबल भी बन चुका है। और बात करें बच्चों की कि उन्हें ब्लू या ब्लैक पेन क्यों दिया जाता है, तो अगर रेड पेन से पूरा एक पेज भर के लिखोगे तो आपको वो दिखने में उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रेड पेन ब्राइट होती है और वो आंखों को चुभती है। लेकिन उसी चीज को अगर आप ब्लैक या ब्लू कलर में लिखोगे तो आपको दिखने में अच्छा लगेगा और आंखों को ये रेड पेन की तरह हार्श नहीं लगेगा। नंबर 1, मुकेश अंबानी जी कौन सा फोन यूज करते हैं? तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पर्सनल यूज के लिए ब्लैकबेरी और HTC का फोन यूज करते हैं, जिसमें जियो का सिम है, लेकिन ये इन्होंने बहुत साल पहले बताया था, तो हो सकता है अब तक उन्होंने फोन स्विच कर दिया हो। लेकिन ज्यादातर जो बिजनेसमैन है वो स्मार्टफोन को यूज करना पसंद नहीं करते, और उनके द्वारा जो भी सोशल मीडिया होते हैं वो उनकी टीम या मैनेजर द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ज्यादा बड़े बिजनेसमैन नॉर्मल फीचर वाले फोन का ही इस्तेमाल करते हैं या फिर स्पेशल सर्विस वाले फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी फोटोज के लिए उनके पास मीडिया तो है ही। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि कैसे कुछ लोगों के चिल्लाने की वजह से एक भूकंप आ गया था? कैसे इस जानवर की हंसी सुनकर आप अपने काम में माहिर हो सकते हो? और नेल कटर में ये वाला पार्ट किस लिए होता है? भाई ये वीडियो तो ऑसमनेस से भरी हुई है, तो इस वीडियो को अभी दबाओ। और याद है ना, मैंने 100,000 लाइक्स का एम बोला था और आपने वो पिछले 2 वीडियो से नहीं किए, तो इस बार कर दो यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो।